अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम एक ट्यूबलाइट के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, एक सिंगल ट्यूबलाइट किस तरीके से कनेक्ट करी जाती है। अगर हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो इस तरह की हमें ये शेड मिल जाता है, इसको पट्टी भी कहते हैं सिंगल लाइट की। तो इसको कनेक्ट हमने खुद करना होता है, इसकी वायरिंग। आजकल LEDs का ज़माना है, लेकिन ये बड़ी बेसिक चीज़ है, ये हम सबको आनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इलेक्ट्रिक का कहीं इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो वो हमसे इसी के बारे में सवाल करते हैं कि ट्यूबलाइट की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो इसकी वायरिंग करने के लिए हमें एक ऐसा ट्यूबलाइट का सिंगल शेड ले लेना है, एक हमें उसके हिसाब से चौक ले लेनी है। अगर हमारी ट्यूबलाइट 36 वॉट की है, जो इस बड़े साइज़ में है 36 वॉट की, तो चौक भी हमने उसी हिसाब से लेनी है उतने ही वॉट की। और इसके लिए एक स्टार्टर ले लेना है हमें, ये मुख्तलिफ इकसाम के स्टार्टर आते हैं। S2 होता है छोटी वाली ट्यूबलाइट जो होती है 18 वॉट की, और S10 होते हैं 36 वोल्ट की बड़ी ट्यूबलाइट के लिए। मैंने S10 का एक स्टार्टर ले लिया क्योंकि हमें बड़ी ट्यूबलाइट की वायरिंग करनी है, और 36 वोल्ट की मैंने चौक ले ली है। इसकी वायरिंग किस तरीके से करी जाती है, इसको समझने के लिए इसके ऊपर एक डायग्राम भी बनी हुई होती है, उसी डायग्राम को हमने एक बड़े पेपर में बना लिया है ताकि समझने में आसानी हो। तो ये इसकी डायग्राम है, अगर आप देख सकते हैं, ये हमारी AC 220 230 जो भी है, ये मेन हमारी सप्लाई यहाँ से जाएगी, और इसमें से हमारी ये फेस की वायर इसमें चौक में जाएगी। ये चौक के दो टर्मिनल होते हैं, ये चौक की डायग्राम है। एक यहाँ से इन होती है वायर चौक में, और यहाँ से आउट होके ये हमारी ट्यूबलाइट लैंप में चली जाती है। ट्यूबलाइट के दो कनेक्टर इधर होते हैं और दो पॉइंट इधर होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये दो वायर इधर जा रही हैं और ये दो वायर इधर जा रही हैं। ये चौक से निकल के एक वायर डायरेक्ट एक तरफ चली जाती है, और ये हमारी न्यूट्रल वाली सप्लाई होगी जो दूसरी साइड पे जाके बिना चौक बिना स्टार्टर के डायरेक्टली ट्यूबलाइट में कनेक्ट हो जाती है। अब ये और ये दोनों पॉइंट हमारे यूज़ हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ के एक इस तरफ और एक इस तरफ हमारे दो टर्मिनल फ्री होंगे। वहाँ से हमने एक वायर उठा के लेके जानी है, और यहाँ हमने स्टार्टर की एक पॉइंट में दे देनी है। स्टार्टर के भी दो पॉइंट होते हैं, एक यहाँ से जाके कनेक्ट हो जाएगी, और दूसरे वाले पॉइंट से यहाँ से एक वायर आके ट्यूबलाइट में कनेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से ट्यूबलाइट का सर्किट बनता है। ट्यूबलाइट 18 वोल्ट की हो या 36 वोल्ट की हो, सिंगल ट्यूबलाइट के कनेक्शन इसी तरीके से किए जाते हैं। सिर्फ चौक स्टार्टर और ट्यूबलाइट के वोल्ट का फ़र्क आ जाएगा। डायग्राम इसकी यही है, कनेक्शन इसी तरह होते हैं। तो डायग्राम को देखने के बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह की एक ट्यूबलाइट की पट्टी ले लेनी है हमने, और यहाँ पर इसमें चौक लगाने का ऑप्शन होता है। ये भी हम चौक भी लगा के दिखाते हैं। तो जैसा हमने डायग्राम में देखा था, उस हिसाब से ये हमारे में स्टार्टर का होल्डर होता है, इसमें स्टार्टर लगाए जाते हैं। तो स्टार्टर के दो पॉइंट होते हैं, इसी तरीके से इसमें भी एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। यहाँ से एक वायर निकल के ट्यूबलाइट के एक होल्डर में चली जाएगी, और दूसरी वायर इसमें से निकल के दूसरे होल्डर में ऑलरेडी जा रही होती है। कनेक्शन हमने करने नहीं होते हैं, ये हुए हुए होते हैं। उसके बाद हमें एक इस तरह की वायर मिल जाती है इस शेड में, असल काम हमने इसमें करना होता है। इसी में चौक लगेगी, इसी में से सप्लाई देनी होती है। उससे पहले मैं यहाँ पे चौक को फिट करता हूँ। चौक को फिट करने के लिए हमने इस तरीके से ये चौक लेनी है, और ये वाला इसका होल निकाल लेना है, एक ये होल निकाल लेना है, और एक इस तरीके से इसमें कट लगा होता है। यहाँ पे रख के हमने स्क्रू इसके आर पार लगा के टाइट कर देना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इसकी वायरिंग करके देखता हूँ। तो दोस्तों, हमने इसकी ये चौक फिट कर ली है। इसकी चौक को फिट करने के लिए एक यहाँ से बोल्ट और एक यहाँ से बोल्ट डाल के पीछे से हमने इस तरह इसके नट टाइट कर लेना है। अच्छा, आपको जैसे आपने अभी देखा, दो वायर मिल जाती हैं इस शेड में। एक हमारी ऑलरेडी स्टार्टर के पॉइंट पर कनेक्टेड होगी, इसको हमने नहीं छेड़ना है। हमने दूसरी वाली वायर को ले लेना है, और उसको चौक के पास ला के यहाँ पे इस तरीके से ला के हमने इसको एक कट लगाना है। हमने इसको इस तरीके से कट कर लेना है, और इसको इंसुलेशन इसकी हटा लेनी है। इसकी इस तरीके से इंसुलेशन हमने हटा लेनी है। अब हमारे में ये दो वायर हैं, इनको हमने इस्तेमाल में लेना है। ये एक जाके आपने यहाँ से इसके चौक के पास जो होल होगा, यहाँ से इसको इन करके चौक के एक किसी भी एक टर्मिनल में लगा देनी है। हमने ये नहीं परेशान होना इसका इन टर्मिनल कौन सा है और आउट इसका कौन सा है। अगर हम इसमें सप्लाई देते हैं तो ये इन बन जाता है और ये आउट, और अगर इसी तरीके से यहाँ सप्लाई देंगे तो हमारा ये आउट पॉइंट बन जाता है। ये हमने वायर इसमें कनेक्ट कर लिए, एक जो सीधी इसके
ट्यूबलाइट के होल्डर में जा रही है। अच्छा, जो दूसरी वाली वायर हमारे में बचती है इसमें हमने न्यूट्रल देना है, तो इसको मैं यहाँ से आउट कर लेता हूँ साइड से। ये यहाँ पे हमने मेन न्यूट्रल देना है और चौक के दूसरे वाले पॉइंट पे हमने मेन फेज देना है। तो इसका ये मेन फेज और न्यूट्रल भी हम दे देते हैं, उसके बाद इसमें ट्यूबलाइट किस तरीके से लगाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। स्टार्टर लगा के इसको ऑन करके भी चेक करते हैं। तो ये रेड कलर की जो वायर होती है, रेड कलर हमारे में फेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये फेस वाली वायर मैं सीधा मैं इसी तरीके से। अच्छा, इसके लिए क्या होगा, ये फेस वाली वायर भी मैं इसी होल से इस होल से हमने इन करनी है, ताकि ये अगर हम शेड दीवार पे लगाएं तो हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से हमने जहाँ से ये वाइट वाली निकाली थी, यहाँ से निकाल के ये चौक के दूसरे वाले टर्मिनल में हमने टाइट कर देनी है। तो ये फेज हमारा इनकमिंग आ गया, ये आउट हो गई। अब जो हमारे में ये वाली वायर एक बची थी जिसमें हमने न्यूट्रल देना था, तो इसमें मैं यहाँ पे न्यूट्रल की वायर ज्वाइंट कर दूंगा। ये मैंने न्यूट्रल की वायर ज्वाइंट करने के बाद इस पर प्रॉपर अच्छी तरीके से हमने टेपिंग कर लेनी है। ये प्रॉपर हमने एक वायर ले आके यहाँ पे अंदर करना चाहिए सब ज्वाइंट वगैरह, ताकि बाहर खूबसूरती से नजर आए, लेकिन आपको सही तरीके से समझ में आए, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया। उसके बाद जैसा आपको मैंने बताया था, S10 का स्टार्टर होगा हमारे पास, ये S10 का स्टार्टर इसमें लगा देना है। ये मैंने S10 का इसमें स्टार्टर लगा दिया, चौक लगा दी। अब हमने इसमें लगानी है ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट लगाने के बाद हम इसमें सप्लाई भी देके चेक करते हैं। ट्यूबलाइट इसमें किस तरीके से लगाई जाती है, ये ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट लगाने के लिए आपने ये देखना है, अगर इसके होल्डर इस तरीके से हैं, ये इसको हमने सीधा कर लेना है ट्यूबलाइट की मदद से। ये इस तरीके से इसमें फिट हो जाएगा सीधा होने के बाद, और दूसरी वाली साइड पे भी हमने इसको बिल्कुल ईजीली इसमें बिठा लेना है। इसमें बिठाने के बाद जब आप तसल्ली कर लेते हैं कि दोनों तरफ से ट्यूबलाइट हमारी प्रॉपर बैठ गई है, तो हमने इसको हल्का सा इस तरीके से घुमाना है। अब मैं इसमें मेन सप्लाई देता हूँ, फिर चेक करते हैं गोया ये वर्क कर रही है या नहीं। इसमें मैंने सप्लाई भी दे दी है, ट्यूबलाइट आपको लगा के चेक करवा दी है। मैं इसकी सप्लाई ऑन करके चेक कर लेता हूँ कि ये हमारी वर्क कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले स्टार्टर ऑन होगा, ये हमारी ट्यूबलाइट वर्क कर रही है। ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ये एक्चुअली सनी ट्यूबलाइट है, थोड़ी लाइट कलर में होती है, फैंसी कलर में ये होती है। इसमें अब LEDs का ज़माना है, इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, वो ट्यूबलाइट LED किस तरीके से लगाई जाती है, उसमें चौक स्टार्टर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, नेक्स्ट ट्यूबलाइट पर जो भी वीडियो होगी इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।